हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों ये देखिए, आज हम गाड़ी चलाने से निकल गए हैं, गाड़ी चला रहे हैं और कितना अच्छा सूरज निकला है, बहुत फाइन सूरज निकला है और हम गाड़ी चलाने के लिए रोड पर आ गए हैं। दोस्तों दिल्ली का जीवन तो बहुत बेहतर होता है, लोग बहुत खुशी मनाते हैं और दिल्ली की कामना करते हैं, दिल्ली में आए हम लोग घूमें फिरे वो करें। लेकिन हम लोग 17-18 साल से तो घूम फिर रहे हैं, पूरी दिल्ली लगभग देख चुके, काम के सिलसिले में ही जाते जाते पूरी दिल्ली लगभग देख चुके हैं। दोस्तों तो हम लोगों का काम कहीं अच्छे ढंग से सेट हुआ नहीं है दोस्तों, सब हमको उतना ज़्यादा मतलब गाड़ी वगैरह चलाने में इंटरेस्ट है नहीं दोस्तों, ये जो है मजबूरी के बस करते हैं काम, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ दूसरा उपाय भी नहीं है और दूसरा कोई काम संसाधन अगर खोजते तलाशते भी हैं तो उसको जमने वगैरह में 6-7-8-9 महीने लग जाएंगे दोस्तों। तो हम लोग जो है वही ई रिक्शा चलाते हैं हम, और उसी से हम लोगों का घर बार चलता है दोस्तों। लेकिन अब ई रिक्शा में भी कुछ काम नहीं रह गया, क्योंकि जितने भी बेरोजगार लोग थे वो सारे लोग ई रिक्शा ही ले रखे हैं और डेली के डेली ये 4-5 लगभग डेली 10-15 रिक्शा तो निकलते ही हैं दोस्तों यहाँ दिल्ली में, और हर जगह ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगे हैं तो लोग बाग भी थोड़ा सा परेशान सा होने लगे हैं, क्योंकि हर जगह जहाँ देखिए वहीं रिक्शे वाले मिल जाएंगे। तो इसलिए लोग भी एक तरह से समझिए अंदर से मतलब घृणित तरह से देखते हैं रिक्शे वाले को, और ज़्यादातर लोग रिक्शे पे चढ़ते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग ऑटो में चढ़ते हैं, थोड़ा बहुत उसमें जर्क लगता है और थोड़ा टाइमिंग भी ज़्यादा लग जाता है जाने में, तो लोग ऑटो में ही चढ़ना पसंद करते हैं। तो इस वजह से हम लोगों की जो कमाई है वो बहुत कम है दोस्तों, और उसी में गुजर बसर करना पड़ता है रेंट का। यहाँ हम लोग रेंट पे ही रहते हैं दिल्ली में, और बच्चे लोग सियाने सियाने हैं तो थोड़ा सा दिक्कत बना ही रहता है दोस्तों, हम लोग मानसिक रूप से शांत नहीं रहते हैं, थोड़ा अजीब सा रहता ही है। तो उसी में लेकिन जीने का कोशिश करते हैं हम लोग, थोड़ा ज़्यादा क्या बताएं दोस्तों, हम लोग थोड़ा दिक्कत में ही रहते हैं। तो जीवन बेहतर होने की कल्पना जो करते हैं, जो खुशियों वाले जो दिन होता है वो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, जो जिस कामना के लिए हम लोग दिल्ली में आए थे ये वो सब हम लोगों को पूरा हुआ ही नहीं। अब देखिए इनसे हमारे शादी का हो गया 19 साल के लगभग हो गया, और आज तक के हमने ना इनको नाक में का दिया है ना किसी तरह का दिया है, इनका कामना कामने रह गया है जी, सही बोल रहे हैं ना? सही, और क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, तो इनको हमने कभी कोई चीज खरीद करके नहीं दिया दोस्तों, ये बात हकीकत है कि हमने कपड़ा तक के भी शादी के बाद हमने एक कपड़ा भी खरीद करके नहीं दे सके दोस्तों। पैसे भले ही दे देते हैं, जो भी हमारे पास पैसा बनता है इनको ही दे देते हैं, लेकिन एक होता है ना कि किसी की शादी विवाह हो गया तो चलो कोई बात नहीं है भाई, लहंगा ले लो, बढ़िया साड़ी ले लो, 5,000-4,000 की साड़ी ले लो, हमने कभी नहीं ली। कि अगर 5,000 की साड़ी ले लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ चलो उसमें से अगर एक दिन दो दिन पहनूंगी फिर उस चीज़ को हम पहन नहीं पाएंगे, तो इसे सोचती हूँ कि एक महीने का किराया दे देते हैं, तो ये सोच के हम लोग लेते नहीं हैं। तो इस तरह से हम लोग का गुजर बसर चलता है दोस्तों, और सारा जितना भी अरमान था हम लोगों का वो सब मर गया, और दिल्ली तो काम के सिलसिले में पूरा दिल्ली ही घूम लिए दोस्तों। कभी सोचे बहुत कुछ थे कि पढ़े लिखे ये भी हैं, पढ़े लिखे हम भी हैं, जो कमाते हैं समझिए एक तरह से पढ़ाई लिखाई में पैसा खत्म हो जाता है, ये खुद ही पढ़े हैं, कमा करके ही पढ़े हैं, अपना जो भी MA किए हैं सारा ये अपने मतलब कि कमाई करके ही खर्च किए हैं, पढ़ाई किए हैं, कोई पीछे से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि जीवन में क्या है, अगर नहीं कुछ बन सके तो कम से कम पढ़ तो ले, कुछ पढ़ लेने से अगर कुछ कामयाबी मिल जाएगी
तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मिल नहीं पाया कामयाबी। हमारी सिस्टर लोग सपोर्टिव है तो वो लोग हमें पढ़ने के लिए इनकरेज करते रहे, और फॉर्म वगैरह भरने में अगर कभी पैसे वगैरह की घट जाता है तो वो भी लगाती हैं। वो सारे चीज़ वो लोग लगा देती हैं हमारे लिए पैसे के लिए। लेकिन दोस्तों कब तक के, अब हमारी उम्र भी अब उस तरह की नहीं रही जे अब दीदी वगैरह से हम पैसे वगैरह लेते रहे। नहीं, उनके भी तो है ना, उनके भी बच्चे हैं। अब देखते हैं कि हम भाई के लिए करें कि अपने बच्चे के लिए करें, बात ये हो जाती है। जितना उनसे बनता वो करते हैं, मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत मदद करते हैं। एक बार अगर कह देते हैं कि ये दिक्कत आ गई है तो वो दिक्कत का सामना चाहे शायद पूरा ना कर सके, लेकिन उसमें सपोर्ट खड़े हो जाते हैं, आधा से ज्यादा सहूलियत मिल जाती है हमारी उनसे। तो इस तरह से हम लोगों का लाइफ चलता है दोस्तों। तो दोस्तों छोटी मोटी दिक्कतों के लिए हम लोग उनको कुछ नहीं कहते हैं, कभी बड़ी बार कभी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं हॉस्पिटल में पड़ गई तो पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने दिए थे, ठीक है, फिर वापस कभी मांगती नहीं है। मैं ही इनको कह देती हूँ कि नहीं काम हुआ तो उनको वापस कर दीजिए, लेकिन खर्च हो जाती है, घर में आता ही पैसा है तो किराया है तो घर में खर्चा है, खाना पीना है, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें भले ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है लेकिन किराया ही कुछ ज़्यादा लग जाता है, यहाँ से जाने में ही 50 रुपये लग जाते हैं किराए डेली वेज के। तो दोस्तों इस तरह से चल रहा है हम लोगों का लाइफ। ये दोस्तों हमें मिल गया है पराठा और आलू दम, देखिए आलू दम कैसा है और ये पराठा कैसा है, ये बना है और ये है पालक और पनीर का सब्जी, और ये बना रखी हैं गीता जी, ये देखिए हमारे लिए ले आई हैं खाने के लिए छत पर ही, अब हम खाएंगे, आप लोग भी खाइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये गीता जी बनाई हैं, ये हैंगर है, इसको हैंग करके रख करके ये ढेर सारा पॉकेट है, इसमें सामान वगैरह बच्चों को रखने के लिए ये बना दी हैं। और ये इस तरह से देखिए कि इस तरह से किसी भी चीज़ में लगा करके डंडे वगैरह में लगा करके इसको ऊपर में कील में लगा देंगे, और इसमें देखिए ये सामान वगैरह रखने का ये बनाई है, कुछ भी रख लीजिए, ये बहुत अच्छा बना दी है ये देखिए ऐसे रख सकते हैं आप सामान वगैरह जो भी ये कुछ भी ये देखिए ये सब ये ठीक है ना दोस्तों, छोटे मोटे अलमारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, धागा सुई रखना हो तो उसके लिए कोई डब्बा डिब्बी नहीं, अपना इसमें टांग दीजिए, रखा जाएगा सब कुछ। हाँ तो आज यही किए हैं, ये बनाए हैं यहाँ बैठ करके, कैसा लगा, जैसा अच्छा लगा हो तो बताइएगा, बनवाना हो तो भी बताइएगा। इनका चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और गाड़ी चला करके आए हैं और यहाँ पर ही छत पर ही हम बैठे हुए हैं, और गीता जी भी हैं, ज्यादा रोशनी है, आंखों से दिख नहीं रही है मुझे। तो उधर घूम जाइए ना थोड़ा सा। अब सही लग रहा है। तो हम लोग ना ये देखिए दोस्तों हम लोग खाना ना खा करके हम लोग ऊपर छत पे बैठ गए हैं दोस्तों, और ये देखिए ये चारों तरफ का व्यू आप देखिए, हम लोग खाना ना खा करके छत पे बैठ गए हैं, और ये धूप काफ़ी है, और दोस्तों हम लोग जो है वो खाना वगैरह तो खा ही लिए हैं। आज का वीडियो यहीं तक के रखते हैं दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बनेगा, और दोस्तों हम आगे कुछ करने की हमारी भी कुछ इच्छा हो जाएगी, ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो से आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ मतलब एंटरटेनमेंट हो रहा है, चाहे कुछ आपको कुछ मतलब कि एक्सपीरियंस बन रहा है हमारे वीडियो से, तो आप अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो इससे हमें लगेगा कि नहीं हमें और वीडियो किसी अच्छी तरह के बनाना चाहिए, प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों, और उससे मतलब कि कुछ भी नहीं तो देखिए हम बहुत सारे जगह जॉब के लिए भी अप्लाई वगैरह करे थे, एक दो जगह हुआ भी, लेकिन किसी न किसी वजह से हम छट जाते हैं दोस्तों,
क्योंकि हमारे भाग्य में नौकरी लिखा ही नहीं दोस्तों। तो इसीलिए हमने अब फैसला करा है कि ये बस अब गाड़ी ही चलाएंगे और जो हमारे YouTube के सहारा जो हमारे सब सुनते हैं कि YouTube से बहुत लोग मेहनत करते हैं YouTube से, तो कुछ ना कुछ उनके सहारे बन जाते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि हम भी YouTube का ही सहारा लेंगे कम से कम, ताकि हमारे भी YouTube हमें समझे इस बात को कि हाँ वाकई में हम लोगों को क्या परेशानी है, दिक्कत है, और हम लोग क्या काबिलियत है जो हम लोग किसी के सामने एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। अगर टैलेंट को समझ सकते हैं हमारे यूट्यूब वाले तो हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ ही बाय बाय दोस्तों, बाय 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 बाय, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। कभी कभी अगर मौका फिर मिलेगा आपसे बात करने का इस तरह से, तो आपको हम बहुत सारी बातें भी बताएंगे कि हम मतलब कि अपने जिंदगी के बारे में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।